हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका एग्जाम स्टडी में। जीके के कुछ और क्वेश्चन हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं एंड लेटेस्ट हैं, तो वो लेके आए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही किस स्थान पर दशहरा देख रहे लोगों पर ट्रेन चढ़ने के कारण 60 से अधिक लोगों की मौत हो गई। इसका आंसर आप सभी को पता है, डी ऑप्शन है जो इसका राइट आंसर है, अमृतसर। अमृतसर सर में है जो जेरे हादसा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोवा से मुंबई के बीच आरंभ किए गए देश के पहले डोमेस्टिक क्रूज का नाम क्या है? मराठा, द्रोण, अंग्रिया या ग्रासिया। तो इसका जो गोवा और मुंबई के बीच आरंभ किया गया है क्रूज, डोमेस्टिक क्रूज है, उसका नाम है जो अंग्रिया है। सी ऑप्शन है जो राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किस देश के साथ दशकों पुरानी इंटरमीडिएट रेंज न्यूक्लियर फोर्सेज संधि समाप्त करने की घोषणा की है? ईरान के साथ, या रूस के साथ, या पाकिस्तान, या जापान, ए बी सी या डी। इनमें से एक आंसर है वो राइट है। सो वो देश का नाम है रूस। बी ऑप्शन है जो राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, हेठ लिखे में से किस संस्था द्वारा हाल ही में जल शोधन प्रणाली, इसका नाम ओनीर है, का विकास किया गया है? संस्था बतानी है, जैसे कि WHO, CII, CSIR या JCV। एक संस्था का नाम बताना है जिन्होंने जल शोधन प्रणाली ओ नीर, जिसका नाम है ओ नीर, उसका है जो विकास किया है। तो इसका आंसर है जो सी है, CSIR ने है जो जल संशोधन प्रणाली ओ नीर का विकास किया इस संस्था ने। राइट आंसर है जो सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश द्वारा बिजली की खपत कम करने के उद्देश्य से कृत्रिम चंद्रमा लॉन्च किए जाने की घोषणा की है? ये एक स्टेटस के तौर पर भी है जो वायरल हो रहा है, FB पे भी देखा होगा। एक नकली है जो चंद्रमा लॉन्च किया जा रहा है एक देश के द्वारा, जिससे है जो स्ट्रीट लाइट्स अवेलेबल होगी उस चांद से, जिसके फायदा ये होगा बिजली की खपत है जो कम होगी। अमेरिका, इजराइल, चीन या भारत, इन देशों में से एक देश है जिसने नकली चंद्रमा बनाया है, यानी कि लॉन्च करने की घोषणा की है, जिससे वो रोशनी का फायदा लेंगे। सो वो देश है चीन। दीपावली के अवसर पर वायु प्रदूषण को नियंत्रण में रखने के लिए पर्यावरण मंत्रालय ने किस अभियान की शुरुआत की? सुरक्षित दिवाली अभियान, या हरित दिवाली, स्वस्थ दिवाली अभियान, या बिना पटाखे दिवाली, हर और उजियारा अभियान, या पर्यावरण हितैषी दिवाली अभियान। एक अभियान है जो पर्यावरण मंत्रालय ने एक अभियान की शुरुआत की है, वो अभियान है सी, बिना पटाखे दिवाली, हर और उजियारा अभियान। राइट आंसर आज सी है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने सर्वनंद प्रेमी द्वारा लिखित श्री मद्भव गीता और कोसूर रामायण का उर्दू संस्करण स्कूल कॉलेजों व सार्वजनिक पुस्तकालयों में रखने का आदेश दिया है? बिहार सरकार, पंजाब सरकार, कर्नाटक सरकार, या जम्मू कश्मीर सरकार, ए बी सी या डी। सो वो सरकार है बी, पंजाब सरकार, बी इज राइट आंसर। कैमरून के पाल बिया ने 71.3% मतदान के साथ कितनी बार राष्ट्रपति चुनाव जीत लिया है? सातवीं, आठवीं, नौवीं या दसवीं, कितनी बार है जो 71.3% से
मतदान से, वोटिंग से राष्ट्रपति चुनाव जीता है कैमरून के जो पाल बिया हैं, उनका नाम पाल बिया है। इसका जो आंसर है ये है 7 बार, 7वीं बार है जो जे उन्होंने राष्ट्रपति का है जो चुनाव जीत लिया है। अगला क्वेश्चन है, किस देश के राष्ट्रपति सी चिनफिंग ने अक्टूबर 2018 को चीन और मकाओ को हांगकांग से जोड़ने वाले समुद्र पर बने दुनिया के सबसे लंबे पुल का उद्घाटन किया? राष्ट्रपति बताना है किस देश का, नेपाल का है, चीन का है, जापान या रूस का। तो इसका आंसर है जो बी, चीन देश के जो राष्ट्रपति हैं सी चिनफिंग उनका नाम है। राइट आंसर है जो बी है। सुप्रीम कोर्ट ने किस मंदिर में सभी उम्र की महिलाओं को प्रवेश की अनुमति देने के अपने फैसले के खिलाफ दायर पुनर्विचार याचिकाओं पर 13 नवंबर को सुनवाई करेगा? सबरीमाला मंदिर, अयोध्या मंदिर, वैष्णो देवी मंदिर या राजा रानी मंदिर? तो इसका राइट आंसर है जो ए है, सबरीमाला मंदिर, जिस पर वो पुनर्विचार याचिकाओं पर 13 नवंबर को है जो सुनवाई करेगा। राइट आंसर है जो ए। हाल ही में किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था द्वारा जारी रिपोर्ट में कहा गया कि निजीकरण मानवाधिकारों के लिए हितकर नहीं है? विश्व बैंक, संयुक्त राष्ट्र, एशियन विकास बैंक या यूनेस्को? ये कहा गया है संयुक्त राष्ट्र द्वारा, इस संस्था द्वारा कहा गया है कि इसकी रिपोर्ट में कहा गया है निजीकरण है जो मानवाधिकारों की हितकर के लिए या हितकर नहीं है, जो निजीकरण है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नेता को वर्ष 2018 के सियोल शांति पुरस्कार हेतु चयनित किया गया है? डोनाल्ड ट्रंप, व्लादिमीर पुतिन, नरेंद्र मोदी या सी जिनपिंग? तो इसका राइट आंसर है जो सी, श्री नरेंद्र मोदी, जो एट ए प्रेजेंट प्रधानमंत्री हैं श्री नरेंद्र मोदी। हाल ही में किस अवसर पर नारी गरिमा का संदेश देने के लिए भारत में 3,000 महिलाओं ने पारंपरिक परिधानों में एक साथ लोक नृत्य किया? कुल्लू दशहरा, उज्जैन पर्व, गुजरात पर्व या जयपुर फेस्टिवल? इसका राइट आंसर है ए, कुल्लू दशहरा। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने लोक स्वास्थ्य बीमा योजना आयुष्मान भारत को प्रोत्साहन देने के लिए आशा कार्यकर्ता का निगरानी यात्रा भत्ता 5,000 रुपये से बढ़ाकर कितने करने का निर्णय लिया है? 10,000, 8,000, 7,000 या 6,000? वो किया है 6,000, यानी कि डी ऑप्शन है जो राइट है, 5,000 से बढ़ाकर 6,000 करने का निर्णय लिया है। सरकार ने भारत और किस देश के बीच फिनटेक पर संयुक्त कार्य समूह JWUG गठित करने के लिए मंजूरी दे दी है? सिंगापुर, मलेशिया, दक्षिण कोरिया या चीन? वो दो देश है सिंगापुर, भारत और सिंगापुर। राइट आंसर है जो ए है। सुपरेन जी, जीके के क्वेश्चन थे, बहुत ही इंपॉर्टेंट थे। वीडियो अच्छी लगे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।